प्रदेश के जनपद बरेली में हुए पुलिस पर हमले के बाद जनपद अमरोहा में मुस्लिम समाज के द्वारा पुलिस का फूल वर्षा कर स्वागत किया गया और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस पर गुलाब के फूल बरसाकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया और पुलिस का सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया। दरअसल शाम के वक्त बरेली में पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसके उलट अमरोहा में मुस्लिम समाज पुलिस का स्वागत करती हुई नजर आई। पुलिस के द्वारा रूट मार्च के दौरान मुस्लिम महिलाओं धर्म गुरुओं के द्वारा गुलाब के फूल वर्षा कर स्वागत किया गया और पुलिस के साथ सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान सभी ने पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई और पुलिस का आभार जताया। इस दौरान पुलिस के जवान भी खुश नजर आए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कभी कभी नजर आती है। हमारी भी आपसे एक अपील है कि कोरोना को हराने में सभी सहयोग करें। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आज जो यहाँ फूलों का स्वागत हुआ गया है, पुलिस प्रशासन का क्या था पूरा मामला? आज हमारे मोहल्ले में पुलिस प्रशासन का जोरदार फूलों स्वागत किया गया, उनको फूल बरसाए गए। और वो इसलिए किया गया है कि हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन रोड पर रहकर 24 घंटे ड्यूटी कर कोरोना वायरस से लड़ा है और हम लोगों की सेफ्टी कर रहा है। हम लोग घरों में हैं और उनके कहने पर ही घरों में हैं, यहाँ पर कोई सख्ती नहीं है। इसलिए जो है लोग उनके कहने की वजह से ही सब अपने घरों में हैं, लॉकडाउन है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है। बहुत अच्छा काम अमरोहा प्रशासन कर रहा है और अमरोहा प्रशासन की सीख लेकर दूसरे जिलों में भी और देश पूरे देश के अंदर इनसे सीख लेकर इस तरीके से ही करना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग बहुत खुश थे मोहल्ले के और इसलिए मोहल्ले वालों ने उनका फूलों स्वागत किया है। जो कन्वे किया है ये मुसलमानों की जो छवि दिखाई जा रही है, इस छवि को ठीक करने के लिए दिया गया है कि मुसलमान जैसे हैं कि वैसे नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। ये मुसलमानों द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया गया है ताकि लोग हमारे देश में भाईचारा बना रहे और लोग एकता के साथ रहें। अच्छा, किस तरह से वेलकम किया है आपने? ये हमने फूलों के द्वारा किया गया है। एसपी साहब का स्वागत। अच्छा, क्या मैसेज कन्वे किया है आज आपने? यहाँ के मोहल्ला बटवाल अमरोहा के लोगों ने जो मैसेज कन्वे किया है कि ये जो अमरोहा पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे, यदि करने का खतरा अगर देश में आता है तो पूरी तरह से जो है पुलिस और प्रशासन के साथ है। क्या रहा और किस तरह से आपने वेलकम किया है उनका? आज ये शाम से यहाँ पर ये प्रोग्राम बन रहा था कि एसपी साहब यहाँ से गुजरेंगे, तो यहाँ के सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हम फूल वगैरह से आज पुलिस का स्वागत करते हैं और उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो इस सिलसिले में हम ये फूल वगैरह देकर यहाँ पर बरसाकर जो है पुलिस का और प्रशासन का स्वागत किया है। देखिए, यहाँ पर आज हमें जैसे सूचना मिली कि पुलिस कप्तान साहब और पुलिस प्रशासन हमारे मोहल्ले का सर्वे करेंगे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, तमाम हमारे मोहल्ले वालों ने डिसाइड किया कि हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे और एक यहाँ से कैसा मैसेज पहुँचाएंगे पूरे देश को, ताकि पूरा देश ये देखे कि हमारे मुसलमान भाई, जो तमाम मुसलमान भाई पूरे पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। अच्छा, आज एक बरेली में जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो अमरोहा की तस्वीरें वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं, क्या कहें वो बरेली की घटना को लेकर? देखिए, बरेली की घटना के का जो ताल्लुक है, कुछ कम पढ़े लिखे लोग, जहालत हर जगह बसती है, और वो अगर वो इस तरीके से पुलिस के साथ गलत रवैया अपनाते हैं तो ये नहायत ही शर्मनाक घटना है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं ऐसे तमाम लोगों की निंदा करता हूँ भरपूर तरीके से कि जो पुलिस के खिलाफ इस तरीके का रवैया अपनाते हैं। अमरोहा जनपद में अमरोहा की जनता कोरोना की लड़ाई में पूरा सहयोग कर रही है। हम लोग जगह जगह घूम कर उनको समझा भी रहे हैं और हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम शीघ्र इस पर विजय पा लेंगे। किस तरह का सहयोग रहा आज वेलकम रहा? हर तरह का सहयोग है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि मार्केट में खरीदारी के समय एक खास दूरी बना के सामान खरीद रहे हैं, एक निर्धारित समय सीमा दी गई है कि इसी के बीच में मार्केट खुलेंगे, इस तरह से जो भी निर्देश हैं शासन के, सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सर, कुछ तस्वीरें ऐसी भी रहीं कि मुस्लिम समाज के द्वारा स्वागत किया गया? नहीं, अब सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। कैसा फील रहा थोड़ा जानने? बहुत बढ़िया फील रहा है। क्या मैसेज कन्वे करेंगे? हमारा यही अनुभव रहा है कि जनता पूरा सहयोग कर रही है और सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.